हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आज 7 सितंबर हो गई है, कल समायरा का बर्थडे है। आज हम करेंगे प्री बर्थडे सेलिब्रेट जब समायरा स्कूल से आ जाएगी। और मैं और समायरा के पापा जा रहे हैं बाहर आज की थोड़ी सी प्रेपरेशन करने। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। हम आए हैं डीमार्ट में और यहाँ से हमें क्रोकरी आइटम्स चाहिए थी, वो हमने बाय कर ली हैं। आपको घर जाकर दिखाते हैं कि किस टाइप की क्रोकरी आइटम्स हमने बाय की हैं और क्यों की है, वो भी आपको घर जाकर बताएंगे। चलो चलते हैं घर पे। हम घर पे आ चुके हैं और क्रोकरी के साथ साथ मैंने डेकोरेशन का भी कुछ मटेरियल बाय किया है, आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं ये सब्जियां कट कर लूँ। पोटैटोज मैंने कट कर लिए हैं, बीन्स कट कर रही हूँ, फिर कैरेट्स कट करनी है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ वेज फ्राइड राइस। जब तक राइस बनेंगे तब तक मैं आपको दिखा दूंगी कि मार्केट से हमने क्या क्या बाय किया और उसके बाद हम सब मिल के करेंगे समायरा का प्री बर्थडे सेलिब्रेट। राइस को मैंने तड़का लगा दिया है और समायरा भी आ गई है। हेलो एवरीवन, आज समायरा का प्री बर्थडे है। कल मेरा बर्थडे है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। क्या होने वाला है? कल पार्टी होने वाली है, ढेर सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं फ्रेंड्स से जिनको हमने अभी तक इनवाइट ही नहीं किया। अभी हमने कॉल्स करने हैं सबको, किसी को भी फोन नहीं किया है क्योंकि हमारा जो लास्ट वीक से टाइम जो है बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने जस्ट अभी इनविटेशन बनाया है जो सबको फॉरवर्ड करना है, कॉल्स भी करने हैं। हमने सोचा उससे पहले आपको दिखा दें कि मार्केट में आज हम गए थे क्या क्या बाय करके लेके आए हैं। ये हैं माजा के टेट्रा पैक्स, 20 हैं ये, और ये कुछ बाउल्स हैं और कुछ प्लेट्स हैं। ये देखिए बाउल का कलर लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन इसको ग्रीन भी बोल सकते हैं, ब्लू भी बोल सकते हैं। और एक और कलर है यहाँ पे, ये है स्काई ब्लू। सेम कलर्स की प्लेट्स भी हैं, ये देखिए ये इसके साथ मैचिंग है और ये ब्लू इसके साथ मैचिंग है। टोटल 12 प्लेट्स हैं, 6 ग्रीन हैं और 6 ब्लू हैं। बाउल्स भी ऐसे ही हैं जिनको आज हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं स्पेशल फैमिलीज में। क्या बात है? और ये भी कुछ बच्चों के लिए है। और ये है डेकोरेशन का कुछ मटेरियल, ये देखिए पार्टी पॉपर 2 हैं, एक आज के लिए एक कल के लिए। ये कुछ बैलून्स हैं जिनके ऊपर लिखा है हैप्पी बर्थडे लेकिन समायरा नहीं लिखा। ये केक टॉपर, ये केक टॉपर है पिंक कलर का। ये बर्थडे बैनर है, ये बर्थडे बैनर मल्टी कलर का है, जैसा यहाँ पे डिस्प्ले है वैसा ही अंदर से होगा, जब हम यूज करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये है पार्टी प्रॉप्स, ये देखो ये सारे इस पैकेट के अंदर अवेलेबल हैं, जो भी इसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं इसको हम यूज करेंगे कल की पार्टी में। मम्मा फिर से क्या है ये? हैप्पी बर्थडे केक टॉपर, केक टॉपर, 3 केक टॉपर्स हो गए। तो समायरा कितने केक कट करने वाली है आज से लेकर कल तक? 3 इसको पता चल गया देखो इनको देख के। चलो हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, थोड़ी सी स्टीम में है, स्टीम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि राइस कितने यमी बने हैं, फिर उनको करते हैं पैक। राइस रेडी हो चुके हैं और हमने पैक कर दिए हैं, देखिए बॉक्सेस में 25 बॉक्सेस बनाए हैं हमने और ये बॉक्सेस अब जाएंगे स्पेशल फैमिलीज के घर पे। और ये बाउल्स, प्लेट्स, ये जूसेस, ये सब भी हम साथ में लेकर जा रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज के व्लॉग में और समायरा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो चलते हैं और फिर समायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज हम साथ में और लेकर जा रहे हैं जिसके बिना बर्थडे सेलिब्रेशन अधूरा है, वो क्या है चलो आपको दिखाते हैं। ये ब्यूटीफुल सा केक पाइनएप्पल फ्लेवर का, इसके ऊपर लिखा है हैप्पी बर्थडे समायरा। तो हम केक कट भी करेंगे वहाँ पे, जो भी बच्चे होंगे, जो भी फैमिलीज होंगी उनके साथ मिलके। घर से निकले हैं और ट्रैफिक देखिए कितना जाम है वहाँ तक,
कब पहुंचेंगे सुमायरा हम? पता नहीं, अभी तो बारिश भी बंद हो गई है, नहीं तो और ज्यादा ट्रैफिक हो जाता इस रोड पे। मम्मा अगर मेरे बर्थडे वाले दिन बारिश आ गई तो? आ गई तो आ गई, वो तो हर बार आती है, बस पिछले साल नहीं आई थी, है ना? मम्मा फिर मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे? हाँ? जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं वो तो आएंगे, भले बारिश हो, भले धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो तो आएंगे। कल पता चल जाएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। आप तो बोलते रहे ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, है ना? कल देखेंगे कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, YouTube फैमिली को भी दिखाएंगे। ओके हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि हम कहां आए हैं, फिर हम चलेंगे उनके पास और फिर करेंगे सुमायरा का प्री बर्थडे सेलिब्रेट। यहां पे कुछ फैमिलीज रहती हैं और सुमायरा के स्कूल जाने का यही रास्ता है और सुमायरा इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को डेली देखती है जब स्कूल जाती है और जब स्कूल से वापिस आती है। और सुमायरा क्या बोलती है, ये मेरे जैसे है ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और सुमायरा का मन किया कि मैं इनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो फिर चले अंदर, चलो। अभी हम सभी केक कट करने जा रहे हैं, सुमायरा अपनी फैमिली के साथ केक कट करेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यहाँ पे फूड आ गया है। ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। नहीं, आशीर्वाद, बस आशीर्वाद से बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता। आशीर्वाद दे रहा हूँ तो सबको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, सुपर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हम घर पे आ चुके हैं और आज उन फैमिलीज के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके सुमायरा का हमें बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए फैमिली उनके पास गए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे, बहुत मस्ती की। उन्होंने भी कैमरे के सामने थोड़ा शाई फील कर रहे थे, लेकिन बाद में सुमायरा के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, वो खेल रहे थे। और बड़े बुजुर्ग भी थे वहाँ पे जिन्होंने सुमायरा को अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे भी दिए। हमने बहुत मना किया कि आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई गिफ्ट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें अपनी फैमिली समझ के हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, खुशियां बांटने आए हो, तो सुमायरा भी हमारे लिए हमारी बिटिया की तरह है, तो हम सुमायरा को ये पैसे तो देकर ही रहेंगे। फिर हमने ये पैसे रख लिए और ये आशीर्वाद है उनका, जिनको हम हमेशा अपने साथ रखेंगे, इनको खर्च नहीं करेंगे। सुमायरा के पिगी बैंक में इनको टाई करके रख देंगे ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा सुमायरा के सिर पर रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो प्री बर्थडे यही था सुमायरा का। फिर 12 बजे का प्लान क्या है? 12 बजे का प्लान मैंने कोई बोला था आपको कि हम कुछ करेंगे? मम्मा पार्टी तो बनती है, 9 साल की हो जाऊंगी। हाँ तो फिर पार्टी कल होगी ना? कल तो होने दो। तो ऑब्वियसली होगी, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन आज मुझे प्री बर्थडे क्यों चाहिए? ये लो कर लो बात। मैंने तो सोचा जो सुमायरा को पार्टी देनी है, जो गिफ्ट देना है, वो हम सारा वहीं पे सेलिब्रेट कर आए, बस हो गया आज का। पहले भी हम जाते हैं, कोविड से पहले तो सुमायरा के हर बर्थडे पे हम जाते थे, लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ पे उन्होंने सबका आना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना। और कोरोना ख़त्म होने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्होंने अलाउ नहीं किया है किसी को भी।
इसीलिए हमारा जाना वहाँ नहीं हुआ। तो फाइनली हमें कोई मिला जिनके साथ हम ये दिन सेलिब्रेट कर सकें। तो आप भी ऐसे ही किसी ना किसी की वीडियो से, किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर हो, जितना आप किसी के लिए कर सकें, किसी को खुशियाँ दे सकें वो ज़रूर दें। बहुत अच्छा लगेगा। और स्माइला चाह रही है कि अब 12 बजे फिर से इसको पार्टी चाहिए। तो हमारे पास तो भाई कल की डेकोरेशन का सामान था, ये हम कल यूज़ करने वाले थे, वो हम फिर आज यूज़ कर लेंगे, कल का कल देखेंगे। लेकिन आज गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो मैंने 6 सितंबर को ही बोल दिया था कि मैं 2 दे रही हूँ गिफ्ट आज, कल आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। नहीं चलेगा, मैं गिफ्ट नहीं दूंगी लेकिन आपके लिए किसी और ने गिफ्ट भेजा है। किसने? आपको तो गिफ्ट से मतलब है ना कि आपको आज कुछ ना कुछ अनबॉक्स करना है। तो मम्मा पापा की तरफ से 9 गिफ्ट आपको किसी स्पेशल पर्सन ने आपके बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है, वो हम आपको देंगे। दो अभी नहीं, उन्होंने बोला है कि जब 12 बज जाएंगे स्माइरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी, उसके बाद स्माइरा को गिफ्ट देना और उसके अनबॉक्सिंग करना। फिर मुझे नींद भी आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं उठा दूंगी आपको। अभी तो खाना खाना है, फिर हम कुछ डेकोरेट करेंगे और कुछ प्लान करेंगे, फिर ही सेलिब्रेट करेंगे ना। मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? गिफ्ट तो बर्थडे के बाद ही मिलता है ना, पहले कैसे दे दूं? आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर मम्मा पापा डिस्कस करके आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर लेते हैं। ओके। फिर मैं आपको उठा दूंगी। ओके ओके गो। ये सब मटेरियल आज हम यूज करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हम आज की पार्टी, आज का प्री बर्थडे क्या बर्थडे ही हो जाएगा 12 बजे तो, स्माइरा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। उससे पहले हम जल्दी से डिनर फिनिश कर लेते हैं अपना। 11:30 हो गए हैं, स्माइरा सो गई है और हम स्माइरा के लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान करने के लिए पार्किंग एरिया में आ गए हैं, क्योंकि घर के अंदर तो पिछले कुछ दिनों से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो ही रहा था। हमने सोचा आज कुछ स्पेशल करते हैं। कार की डिगी में स्माइरा के पापा ने कुछ बैलून्स रख दिए हैं और इसी प्लेस को हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और जैसे ही 12 बजेंगे तो स्माइरा को उठाने के लिए ऊपर चलेंगे और फिर देखते हैं उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम ये सब करने वाले हैं उसके लिए। क्योंकि लास्ट उसके बर्थडे पर हमारा प्लान था कार लेने का, जो कि नहीं हो पाया था, हमें कार की डिलीवरी उस टाइम पे नहीं मिली और ये कार के साथ उसका पहला बर्थडे है, इसीलिए कार की डिग्गी में बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता है। जल्दी से कर लेते हैं डेकोरेट, फिर चलते हैं ऊपर स्माइरा को उठाने। डेकोरेशन करके हम आ चुके हैं ऊपर, टाइम हो गया है 11:47, स्माइरा सो रही है, चलते हैं अंदर उसको उठाते हैं क्योंकि उठते उठते वो 10 मिनट लगा देगी। स्माइरा देखो मम्मी की एक आवाज ही काफी है। उठो बेटा, आपने बोला था ना मुझे उठा देना। स्माइरा इधर देखो, आपका हैप्पी बर्थडे है। मम्मा की तरफ देखो। स्माइरा नींद देखो कितनी आई हुई है इसको। एक काम करो, इसका जो गिफ्ट है ना आज का वो लेकर आओ, बाहर चेयर पे रखा हुआ है, फिर ही उठेगी ये। स्माइरा आपके लिए गिफ्ट आ गया, वो देखो आंखें खुल गई। देखो आपका बर्थडे गिफ्ट, देखो तो किसने भेजा है। चलो इसको आज गिफ्ट भी नहीं चाहिए। 12 बज गए। हम ज्यादा स्क्रीम नहीं कर सकते क्योंकि सभी सो रहे हैं। चलो अब आपको दिखाते हैं कि हमने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। ओके ओके काम रेडी। श्योर? श्योर। क्लोज योर आईज। 3, 2, 1 खो। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर स्माइरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्माइरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो हमने स्माइरा के लिए ये छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। कैसा लगा स्माइरा? अमेजिंग। और केक कहाँ है? वो देखो सानिया दीदी का कॉल आ गया, फर्स्ट कॉल। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप पार्टी केक के काट के सो रहे हो? अभी काटना है, अभी मैं सोकर उठी हूँ। ओहो,
वही तो। यस, मेरे से मिलने के लिए वेट कर रहे हो ना? यस, कल अपन आके पार्टी वार्टी करेंगे साथ में। ठीक है, केक वेक काट के मुझे कॉल करना। ओके ओके, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे। बाय, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको फिर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बैलून केक का है? तेरा केक छिपा हुआ था बैलून के नीचे। चलो केक दिखाएं आपको। दिखाओ। हेलो नानी, थैंक यू सो मच। आपने केक काट लिया? नहीं, अभी काटना है। वहाँ पे लड्डू गोपाल का बर्थडे, यहाँ पे राधा रानी का बर्थडे है। वाओ, छोटू सा कितना प्यारा है, समायरा। आए तो आधी फूंक लगेगी। मैं जीत हो गया। चलो ये लो नाइफ और केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्माइरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी बारी आती है गिफ्ट अनबॉक्स करने की। हमने तो नहीं दिया, चलो जिन्होंने भी दिया है अनबॉक्स तो करना है ना। देखते हैं इसमें क्या है, फिर आपको बताएंगे कि किसने भेजा है ये। ये क्या है? अच्छा, ये तो कवर है। मैंने बोला कि स्माइरा के कपड़ों के लिए कबर छोटी पड़ती है, जो कपड़े एक्स्ट्रा है वो उसमें पैक करके रखो। कवर है ये ड्रेसेस के? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये क्यों? बस उन्होंने आपका व्लॉग देखा होगा कि आपके अलमारी में कपड़े पूरे नहीं आते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बैग बनाकर भेज दिए। गिफ्ट तो गिफ्ट है ना, इसके अंदर तो कुछ और ही है। ड्रेस है। वाओ, मेरे लिए ना? हाँ, तेरे लिए होगी ना, तेरा बर्थडे है तो तेरे लिए ही ड्रेस होगी, मेरे लिए थोड़ी ना होगी। ये देखिए, पर्पल कलर। ये तो मुझे कुर्ती लग रही है इसकी, मेरी ना। और मेरी लग रही है तुझे ये? और ये मेरी नहीं है, गलत आ गया। तेरी ही है ये, इतना बड़ा मेरा साइज है। हाँ, आप बड़े हो गए ना आज। बहुत ही अच्छी ड्रेस है स्माइरा के लिए भेजी है उन्होंने। देखो, चिकन करी की कुर्ती है, मतलब कि ये कोड सेट है स्माइरा, इसको कोड सेट बोलते हैं, आजकल ट्रेंड है ना। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही ज्यादा प्यारी, और कलर भी एकदम मस्त है। और भी है कुछ इसके अंदर सेम? अरे वाह, मेरे लिए? हाँ, क्या बात है, बर्थडे स्माइरा का। इतने दिनों से मैं ही गिफ्ट दे रही थी इसको, फाइनली मुझे भी मिल गया स्माइरा के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट। आई लव इट। और जिन्होंने ये ड्रेसेस भेजी हैं, उनका नाम है रितु और उनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर अमित, और उनका ब्रांड आपको मैंने बता दिया, स्टाइल मित्रा। इन्होंने पहले भी हमें बहुत सी ड्रेसेस भेजी हैं, स्माइरा और मेरे कॉम्बोज भेजे हैं, हमारा फैमिली कॉम्बो भेजा है। बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस वो डिज़ाइन करते हैं। मैंने पर्सनली भी उनसे ड्रेसेस बनवाई थी जब स्माइरा की बुआ की शादी थी, आपने देखे होंगे वो व्लॉग्स तो आपको याद आ जाएगा। और इनकी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट करो। इनके पेज पे बहुत ही अच्छा अच्छा यूनिक कलेक्शन होता है, और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइज करवा सकते हो, डिज़ाइन कस्टमाइज करवा सकते हो। चेकआउट ज़रूर करना और इनको फॉलो भी करना और अपने ऑर्डर्स भी प्लेस करना अगर आपको कुछ भी चाहिए। और हमें तो ये ड्रेसेस बहुत ही अमेजिंग लगी। थैंक यू सो मच रितु एंड भैया, आई रियली लव्ड इट। जल्दी हम इनको पहनेंगे, फिर से व्लॉग शूट करेंगे और रील्स बनाएंगे मस्त मस्त वाली, आपको टैग करेंगे, फिर आप देखना कि ये ड्रेसेस हम पे कितनी सूट कर रही हैं। और स्माइरा को तो परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट मिल गया है, मैंने नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, तो चलो स्माइरा के अंकल आंटी ने ही दे दिया, स्माइरा को तो गिफ्ट से मतलब था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं स्माइरा के बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब-
बाय बाय, टेक केयर।